कि जवान आंखों के सहारे पूरे मुल्क को देखा जाए, और उससे भी बेहतर तब होगा जब उन्हीं जवान आंखों के सहारे हम राजनीति को देखें और देखें क्या वो आंखें वैसा ही देख और समझ रही हैं जैसा कि एक छोर पर खड़े होकर हम देख और समझ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय राजनीति में युवाओं के प्रवेश को लेकर। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में टिकट पाए कुछ सबसे चर्चित नामों में से एक अब्दुल्ला आजम साहब की, जो आज हमारे शो में मेहमान हैं। अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, जब तक 11 मार्च का दिन नहीं आ जाता, रिजल्ट का दिन नहीं आ जाता, तब तक आपको एक संघर्ष के दौर से गुजरना है कि आप आजम साहब के बेटे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इस संघर्ष के लिए आप तैयार हैं अपने वालिद के नाम? ये संघर्ष, इसे आप संघर्ष नहीं कह सकते जी, ये खुशनसीबी है। आज सब कुछ, हर चीज़, चाहे वो किसी भी तौर से देखा जाए, चाहे वो नाम हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कुछ भी हो, लोगों की मोहब्बत हो, हर चीज़ हो, वो उन्हीं के नाम की वजह से, उन्हीं के दम की वजह से, और हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और ये नहीं कि मेरे वालिद कोई राजनीति में है या पॉलिटिशियन है, हर औलाद की, हर बेटे की पहचान उसके बाप से ही होती है, और हर बेटे को उस पर फख्र होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। आजम साहब ने एक सपना देखा था शिक्षा को लेकर, जिसको काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया है जो दिख रहा है। तो तालीम को आप एक सफल जिंदगी की कितनी बुनियादी आवश्यकता मानते हैं, और कितने बड़ा प्रयास रहा, कितनी मुश्किलें आई? देखिए, कोई भी पैदा आदमी या औरत होता है, लेकिन शिक्षा उसे इंसान बनाती है। जहाँ हम हैं, रामपुर ज़िला, आज से करीबन 10-12 साल पहले ये हिंदुस्तान के एजुकेशनली सबसे ज़्यादा एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था रामपुर। शायद मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने बचपन में एक बार स्टैटिस्टिक्स देखे थे, तो शायद 22% लोग यहाँ हाई स्कूल पास थे। उसकी बहुत बड़ी वजह ये रही कि यहाँ जिन नवाबों ने हुकूमत करी, आज़ादी से पहले यहाँ पर नवाबों की हुकूमत रही, उन नवाबों ने अपने दौर में एक फरमान दिया था जिसे हम आदेश कहते हैं, कि कोई भी नौजवान या कोई भी शख्स 8वीं यानी 8th क्लास से ज़्यादा की पढ़ाई, तालीम हासिल नहीं कर सकता था। ये रामपुर का नवाब का फरमान था। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए और जब पढ़कर वापस आए, तो उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। ये भी एक तारीख है इस रामपुर की। ना यहाँ स्कूल थे, ना यहाँ कॉलेजेस थे, इस वजह से ये इलाका पिछड़ता गया, ख़ासकर तालीम के मामले में। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की, स्कूल्स की ज़रूरत पेश आई। पहले यूनिवर्सिटी बनाई, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बना। प्रपोज़ल ये था कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उस वक्त जो गवर्नर साहब थे उन्होंने उसको मंजूरी नहीं दी। फिर ये कोशिश शुरू की गई कि चलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ, यहाँ काम शुरू हुआ, लोगों के चंदे से, उनके ताउन से काम शुरू होने लगा। फिर BSP की सरकार आ गई, और BSP की सरकार ने इस पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर दीवारों पर बुलडोज़र चलवाया, ज़मीन कब्ज़ा करवाने की कोशिश करी, और जो यूनिवर्सिटी चलाने के लिए NOC चाहिए होती है वो नहीं दी। लेकिन फिर जब 2012 में समाजवादी की सरकार आई, अखिलेश यादव जी, नेताजी, सब लोगों ने जो ताबुन वो कर सकते थे इस यूनिवर्सिटी की मदद करने के लिए, उन्होंने किया, इसको NOC भी मिली। उसके बाद ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, ये यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, करीबन 3 CBSE बोर्ड के स्कूल चला रहे हैं जिनका स्टैंडर्ड लगभग किसी भी इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं है। उसमें एक स्कूल ऐसा है जिसकी फ़ीस 20 रुपये महीना है बच्चों की, लेकिन उसमें पढ़ने वालों के लिए क्राइटेरिया ये है कि या तो रिक्शे वालों के बच्चे होंगे या बीड़ी वालों के बच्चे होंगे, और जो दूसरे भी 2 स्कूल हैं उनकी फ़ीस भी 350-400 रुपये है। और आपको उनको देख के ये नहीं लगेगा कि 400 रुपये की महीने की फ़ीस वाले स्कूल है, आपको ऐसा लगेगा ये 4,00,000 रुपये सालाना की फ़ीस वाले इंटरनेशनल स्कूल है। जी, जाहिर तौर पर लोकतंत्र उनके रगों में दौड़ता है, जी, बचपन से आप देख रहे होंगे, तो कितना आपने राजनीतिक संस्थाओं को समझाया उनके द्वारा, या कैसे उत्तर प्रदेश राजनीति को कैसे आपने बढ़ते हुए देखा है? देखिए, पहले जो चीज़ें थी आज भी उनमें से कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं सियासत में ही देखा जाए तो। लेकिन अगर मैं आज़म खान साहब के नज़रिए से देखूं, तो मैंने ये देखा है कि अगर एक इंसान तय कर ले कि उसे कुछ बदलाव लाना है, हम आज जिस जगह बैठे यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी जद्दोजहद की कहानी है कि अगर हम इसका पूरा इतिहास पढ़ें तो उस इतिहास से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आज़म खान साहब का सियासी सफ़र कैसा रहा होगा।
या उनकी आंखों से हमने जो देखा कि एक शख्स ने, यहाँ बहुत बहुत बुरा माहौल हुआ करता था रामपुर का नवाबों के दौर में, बदमाशी, गुंडागर्दी, क्राइम, चाकू के नाम से रामपुर मशहूर था। आज वही रामपुर अपनी तालीम के लिए, शिक्षा के लिए मशहूर है, अच्छी सड़कों के लिए मशहूर है, अपने विकास के लिए मशहूर है, अपने प्लानिटेरियम के लिए मशहूर है, अपनी सड़कों के लिए मशहूर है, अपनी बिजली, अपने पानी के इंतज़ाम के लिए मशहूर है। तो मैंने चीज़ों को अंधेरे से उजाले में आते हुए देखा है और ये देखा है और ये सीखा है कि अगर किसी भी चीज़ को ठान लिया जाए तो दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, भले बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। आज़म खान साहब, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई शख्स एक ही विधानसभा से 8 बार विधायक, 8 बार। एक बार सबसे पहला चुनाव वो हारे थे, तब उनकी उम्र वो खुद बताते हैं कि बहुत कम थी, और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी विधानसभा कहाँ तक है। मैंने शहर में कन्विंसिंग करी, अपनी कैंपेन करी साइकिल से, और मुझे देहात का इलाका नहीं मालूम था कि रामपुर में शामिल है, और मैं कुछ चंद 100 वोटों से हार गया। और 1996 में हारे थे एक बार, उसमें वजह ये थी कि तब यहाँ की एक सांसद, वो भी नवाबी ख़ानदान की, नूर बानो साहिब, और उत्तर प्रदेश के उस वक्त के गवर्नर, और सारी जितनी ताकतें खिलाफ थी उनको, सब एक हो गई थी, और बदमाशी से और बैलेट बॉक्स और लूटने से लेके बूथ कैप्चर, हर तरीके से उन्हें जो वो कर सकते थे कर करा के हराया था। लेकिन ये भी तारीख थी जब वो चुनाव हारे थे 1996 में, तो उसके 3 महीने बाद तक रामपुर के बाज़ारों में ऐसा माहौल था जैसे मातम हो गया, कोई दुकानों पे नहीं, कोई घरों से नहीं निकल रहा, सब ऐसे गम में बैठे। अब्दुल्ला साहब, बिजली पानी वो इशू है जिस तरह कोई बात करता है नहीं कर, लेकिन आप यूथ हैं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इतना रॉ टैलेंट है स्पोर्ट्स में, सिर्फ रामपुर की ही बेल्ट को आप उठा लें, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, तो क्या कोई रोड मैप है आपके पास स्पोर्ट्स को लेकर, स्टेडियम को? आपने बहुत अच्छी बात करी, जौहर यूनिवर्सिटी है, हम अपने यहाँ बच्चों को जो भी टैलेंट हो, जिसमें भी वो माहिर हो, मसलन हॉकी हो, फुटबॉल हो, उसमें हम उनको प्रोत्साहन देते हैं कि वो करें। उसके अलावा रामपुर में ही उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रही है। अच्छा। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से थोड़ी दूर है उसे जाकर देखें, जिसमें इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और बाकी स्टेडियम्स की भी व्यवस्था है। तो कोशिश यही रहती है सरकारों की कि जो पैसा कभी मूर्तियों और हाथियों का खर्च हुआ था वो लोगों की भलाई के लिए खर्च हो, चाहे वो नौजवानों के लिए हो। बल्कि मैंने हमेशा ये बात कही और आज भी कहता हूँ, 1-2-3 महीने से जब से भी इलेक्शन के लिए बाहर हूँ, तो मैं नौजवानों से हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो, तुम जिस तरफ चलोगे ज़माना उसी तरफ जाएगा। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे यहाँ एहसास करने वालों की कमी थी, लेकिन पहली बार एक सरकार आई है जिसने एहसास किया है। समाजवादी की जब भी सरकार आई उसने गरीबों और किसानों का एहसास किया है। आज अखिलेश यादव जी की सरकार, एक नौजवान मुख्यमंत्री की सरकार, जो किसानों के, गरीबों के साथ साथ, पिछड़ों के साथ साथ, नौजवानों को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, शायद चाहे वो खेलकूद में हो, चाहे वो उनकी शिक्षा के लिए हो। और अभी न जाने लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि साहब रोज़गार के लिए क्या किया, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे इतिहास की ऐसी सरकार है जिसने अभी तक सरकारी नौकरियाँ सबसे ज़्यादा दी हैं इस 5 साल में, सबसे ज़्यादा। पुलिस, PWD, लोक निर्माण, वो कौन सा है, राजकीय निर्माण निगम, जल निगम, परिवहन विभाग, न जाने कितने ऐसे विभागों में कंडक्टर की, पुलिस कर्मियों की, ये सबसे ज़्यादा इसी सरकार ने नौकरियां दी हैं और निकाली हैं, जिसमें से कुछ नौकरियां उन लोगों की भी, उन लोगों की बुरी नज़र की भेंट भी चढ़ गई जिन्होंने नौजवानों को रोज़गार से रोकने के लिए हाईकोर्ट में जाके स्टे ले लिया या कुछ कर दिया, वो बहस का पहलू नहीं है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी नौजवानों को रोज़गार देने के लिए। उसके अलावा भी उनको शिक्षित करने के लिए लैपटॉप दिए, सब कुछ दिए, और अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे, कई दिनों में अक्सर ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी से टाई अप किए हैं कि आप आएँ हमारे यहाँ कारखाना लगाएं, हमारे नौजवानों को रोज़गार दें, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं उनकी तालीम के लिए। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी जो थी वो नौजवानों में तालीम की थी, सरकार उसे पूरा कर रही है, उनके रोज़गार में जो भी कर सकती है, जो भी कदम उठा सकती है सरकार उठा रही है। इसके अलावा भी हम अगर गाँवों में देखें तो कामधेनु एक बहुत
मशहूर स्कीम, बल्कि एक बहुत ही कामयाब स्कीम चली जिसने गांव के पिछड़े वर्ग को और गरीब लोगों को कम से कम अपने आप अपने पैरों पर खड़े होने का और कम से कम नहीं तो एक अच्छा भला जीवन गुजारने लायक पैसे उनके करने शुरू कर दिए। ये सारे का कौशल विकास योजना, बहुत सी चीज़ें सरकार ने नौजवानों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए चलाई, और नौजवानों के लिए तो जितना भी किया है मुख्यमंत्री जी ने शायद आज तक किसी ने नहीं किया। चुनाव बड़े खर्चीले हो गए, यूथ कैसे रह पाएगा अगर वो राजनीतिक विरासत को नहीं संभाल रहा, तो एक संगठन में काम करने वाला आम कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ पाएगा? मैं अभी तक बताऊँ आपको, शायद 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा मेरे तो खर्च नहीं हुए। देखिए अगर आप नहीं, मैं आपकी बात, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, मैं अपनी बात लेके चलता हूँ। आप देखिए, इंसान अगर खुद में कुछ बात बोलेगा तब उसे दूसरे पर उंगली उठाने का अधिकार है। मेरे चुनाव में अभी तक मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, टिकट मेरा कल ही हुआ है, लेकिन मैं उस इलाके में बहुत वक्त से काम कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा खर्च नहीं हुआ क्योंकि मेरी नीयत साफ है, मैं काम साफ करना है। मेरा मकसद है कि मैं लोगों तक सही बात पहुँचाऊँ। वो लोग जो समाज में गलत बातें बेचना चाहते हैं, पैसे का खर्चा उन्होंने बढ़ाया और वही पैसे को, पैसे के इस काले इस्तेमाल को राजनीति में लेके आए। और नौजवानों से मैं ये बात कहूँगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में आओ, क्योंकि नौजवान जिस तरफ जाएगा ज़माना उसी तरफ चलेगा, ज़माना उसी तरफ चलेगा। बताइए, बहुत से आप मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, वो एक अलग बात, लेकिन आज जो उनका युवाओं में जो उनकी पकड़ है, जो उनकी लोकप्रियता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज तक किसकी हो गई ये बता दीजिए ऐसा मुकाबला। तो अगर कोशिश की जाए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, हम आए दिन देखते हैं, हमने जेएनयू का मामला देखा, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी की तरफ हूँ या किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन जिन जगह उन स्टूडेंट्स की आवाज़ सही थी, कन्हैया कुमार साहब की आवाज़ सही थी, देखिए अगर उनके पास पैसा नहीं था लेकिन उनका जो मैसेज था लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अगर आपका मैसेज स्ट्रांग है, आपकी नीयत साफ है, तो पैसा कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ पैसा उन लोगों के लिए मायने रखता है जो झूठ बेचते हैं। आपके वो यूथ वाले बयान से पूछते हैं, आपकी सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे युवा दर्शकों के लिए जो इंटरनेट पर बड़ी तादाद में, जो भी संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश आप सबको देना चाहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखें तो 2017 का चुनाव अगले महीने है, हम जनवरी में हैं, फरवरी में वोट पड़ने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब अपने घरों से निकलें, अपना वोट डालें और धर्म मज़हब बिरादरी जाति इन सारी बातों को भूलकर विकास के मुद्दे पर, जो शख्स आपका सबसे ज़्यादा विकास कर सकता है, जो सियासी जमात, जो राजनीतिक पार्टी आपका सबसे ज़्यादा विकास कर सकती है, और जिसने किया हो, झूठे वायदे ना किया हो, जिसने विकास किया हो, एक ऐसी सियासी जमात को चुनने की ज़रूरत है और एक अच्छी सरकार जो आपके विकास के लिए कार्यरत हो उसे चुनने की ज़रूरत है। हाँ अब्दुल्ला साहब, आप बेहतर कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन करें, विवादों से दूर रहें, बिल्कुल रहें, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।